नमस्कार दोस्तों, आपके इस यूट्यूब ऐप पे जो घंटा बना, अगर आप इसको दबा दोगे तो मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ओके, तो अब इंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फारी न्यूज़ में। दोस्तों, हैदराबाद में रहने वाला ये परिवार वहाँ के सभी परिवारों से अलग है। रामराज के परिवारों के लोग अन्य सभी लोगों से अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके परिवार के ज़्यादातर लोग बौने हैं। परिवार में एक या दो लोग बौने होते तो समझ में आता भी है, लेकिन रामराज के परिवार में 21 सदस्य हैं जिनमें से 18 लोग बौने हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनमें से 7 बहनें हैं और 4 भाई हैं, लेकिन एकेंड्रोप्लेजिया नाम की बीमारी के चलते कई चल बसे। अब उनके परिवार में 11 लोग ही बचे हैं जिनमें से 9 लोग बौने हैं। बौने होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है आम जिंदगी में। छोटे पैरों के कारण इन्हें पैदल चलने में काफ़ी मुसीबत होती है। रामराज के परिवार को लोगों को तानों का सामना भी करना पड़ता है। रामराज के अनुसार जब भी वे बाहर जाते हैं तो लोग उनसे अजीबों से सवाल पूछते हैं कि उनके छोटेपन को लेकर मजाक उड़ाते हैं। परिवार के मुखिया 52 साल के रामराज बताते हैं कि जब भी वे कहीं निकलते तो लोगों की भीड़ से घिर जाते हैं और तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि आप इतने छोटे क्यों हो, आप कहाँ से आए हो, और हर कोई कमेंट करता है। रामराज विवाह स्वागतकर्ता का काम करते हैं, मतलब बैंकेट हॉल आदि के बाहर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी की ज़रूरत है क्योंकि परिवार की ज़रूरत बड़ी है। विवाह स्वागतकर्ता का काम खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा। वह कहते हैं कि उन्हें कई नौकरियां के लिए बोला था, लेकिन कोई उन्हें देने को तैयार नहीं है। जो भी मिलता है यही पूछता है कि आप काम कैसे करेंगे, आपकी हाइट छोटी है। रामराज की 27 वर्षीय बेटी अंबिका अकाउंटेंट की नौकरी करना चाहती है, लेकिन इसी विकार से पीड़ित है जो पिता से उसे विरासत में मिली है। उसे भी नौकरी तलाशने में कठिनाई हो रही है। अंबिका के मुताबिक वह इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि वह लंबी नहीं है। अंबिका का छोटा भाई टेलीफोन बूथ में काम करता है और बड़े भाई की पत्नी टेलर है। जैसे तैसे सब गुजारा कर रहे हैं। रामराज कहते हैं, ये विकार पुरुषों के लिए तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हमारी बेटियों के लिए है। अनुवांशिकी का यह विकार रामराज के परिवार से आया है। परिवार में 21 लोग थे जिनमें से 18 लोग बौने थे। इनमें रामराज, उनकी 7 बहनें और 3 भाई बौने थे। कई तो अब गुजर चुके हैं। यह परिवार शारीरिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। ज़्यादातर के पैर कमज़ोर हैं और अंबिका के छोटे भाई के तो चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ऐसे ही ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए और वियर्ड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको देश दुनिया की खबरें देता रहूँगा। ऐसी ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आज से पहले किसी ने नहीं बताया। सब्सक्राइब करें, बाजू में इस घंटा दिया इसको ज़रूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।